यदि कोई भक्ति का अभ्यास नहीं हो जाता तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण कर रख पाएगा। जब शरीर छिन्न भिन्न हो रहा हुआ रहता है और वह किस तरह से परम शक्तिशाली भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना करेगा। वो करेगा ना जिसने किया है। अभी देखो कार्तिक मास है, ठीक है, आप लोग सुबह सवेरे उठते हो, जब भगवान स्नान करते हो, भगवान की आरती करते हो, नाम जप करोगे, तो फिर जब मरोगे तो फिर भगवान को बोलोगे ना याद करो कार्तिक मास में दीपदान किया था, कार्तिक मास में हरि नाम जप किया था। अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे याद कराओगे, बोलो किया ही नहीं, अब क्या बोलें। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यज्ञ, ये जो बता रहे हैं ना कृतोस्मर, कृतो मतलब यज्ञ कृतम, मैंने जो किए थे, आप क्योंकि यज्ञ के भोक्ता हो तो मेरे यज्ञों को याद करो। तो अब यज्ञ की परिभाषा बताएं श्रील प्रभुपाद। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। इच्छा हो रही है खाने की, सोने की, घूमने फिरने की, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा में लगे हैं। तो अपने जीवन काल में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इस कला को सीखना होता है। पूरे जीवन इसको सीखना है कि कैसे भौतिक इंद्र तृप्ति को छोड़कर भगवान को प्रसन्न करने का कार्य किया जाए। मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग किया जा सकता है। मृत्यु के समय क्या होगा, फिर जब हमने जो ये सब किया था वो सब हमारे लिए एक प्रोटेक्शन बन जाएंगे और फिर यमदूत आगे नहीं आ पाएंगे, भगवान आकर हमको इस भवसागर से पार लेके जाएंगे।